ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्लास टेंथ का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। यदि भाग एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 तो बी का मान क्या होगा, हमें इसमें बी का मान बताना है। तो देखिए भाग एल्गोरिथम का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं, जहां एक बात हम लोग पढ़े थे लो, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है, ये बात आपको याद होगी। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है भाग एल्गोरिथम को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तो 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है। आपने आपको ये याद होगा, यहां देखिए ए का मान क्या दिया है, आप स्क्रीन पे देखो ए का मान दिया है 72, क्या दिया है 72, बी का मान क्या दिया है, तो बी का मान तो हमसे पूछा है, क्यों का मान दिया है 8, तो बी पूछा है तो बी को वैसे ही रहने देंगे, और यहां पे बीच में गुना छिपा रहता है, और यहां पे क्यों है तो क्यों का मान दिया है 8, क्या दिया है 8, और प्लस आर, आर का मान क्या है तो 0 है, आर का मान क्या है तो 0, तो लिख देंगे 0। इसे सॉल्व करो, 72 है, इधर देखिए 8 गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 8 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया 8, इधर से बच क्या गया b, और b में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, काट दो इसे, 8 9 72 9 आ गया, यानी b का मान क्या आ गया 9, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं b बराबर 9। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे, वहां से देख लीजिए।